गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सारे के सारे खुश तंदुरुस्त अपने अपने घरों पे एंजॉय कर रहे होंगे। आज संडे है, संडे राइड के लिए मैं लेट हो गया हूँ, उठा लेट बिकॉज रात को लेट सोया था। वॉज वॉचिंग मूवी एंड सुबह उठ के जाऊँगा और खुली मेरी आँख 8 बजे। 8 बजे जो उठ के मैं रेडी होना शुरू हुआ हूँ, तो अब जाके 9 बज रहे हैं और मैं रेडी हूँ निकलने के लिए। आज अपने हेलमेट की टेस्टिंग, नया हेलमेट लिया है उसको पहन के कोई लॉन्ग राइड से पहले टेस्ट करना चाहता हूँ कि हाउ इट फील्स। अभी तक उसमें कोई ब्लूटूथ सिस्टम नहीं लगवाया है, थिंकिंग कि कौन सा लूँ, कार्डो या फिर सेना, लेट्स सी। अभी तो जाके उसको एक्सपीरियंस करता हूँ और पता लगाता हूँ कि लॉन्ग राइड के लिए वो हेलमेट कितना जस्टिफाई करता है, ऑल्दो वो बना ही लॉन्ग राइड्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन और आपको दिखाता हूँ कौन सा हेलमेट लिया है। आज बड़े दिनों बाद ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी। माई मदर वॉज नॉट कीपिंग वेल, हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा उनको, तो उनकी रिकवरी में काफ़ी टाइम लगा। मैंने कोई राइड भी नहीं करी थी इसी वजह से, बिकॉज वॉज नॉट फीलिंग गुड यू नो टू गो आउट टू लीव देम बिहाइंड। तो अभी मेरी मदर बिल्कुल ठीक हैं, शी इज़ रिकवर्ड, शी इज़ रिकवरिंग एक्चुअली, एंड अब राइड शुरू करने का मूड है और उसी के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। जगह सोच रखी है कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, नॉट श्योर। हो सकता है सोलो राइड करूँ, हो सकता है फ्रेंड्स ज्वाइन करें, कुछ भी हो सकता है। तो आज का वीडियो बड़ा ख़ास होने वाला है क्योंकि ये है एक अनबॉक्सिंग वीडियो। सो अनबॉक्स करते हैं और दिखाता हूँ आपको जल्दी से कि मैंने क्या लिया है और मेरी राइड के लिए है। बहुत ही प्यारा अच्छा प्रोडक्ट है, आप देखेंगे आपको पता चलेगा क्या है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ओके, रेडी देखने के लिए खुल जा सिम सिम। सो अब तो पता चल गया होगा आपको कि ये क्या है। सो या ये है एक हेलमेट एंड तुम भैया जाओ उधर। सो जल्दी से खोलें और देखें। सो फाइनली ये है जो हेलमेट मैंने ऑर्डर किया था। इट्स वेरी नाइस, ग्राफिक्स अच्छे हैं और एक मॉड्यूलर हेलमेट है, EDV हेलमेट है, बहुत लाइट है। और देखें क्या क्या है इसके साथ। इसका ये पिनलॉक है, पिनलॉक वाइज़र है, 100% मैक्स विजन, और ये एंटी फॉग है, दैट्स गुड। और इसके साथ इसका मैनुअल आया है और एक आई बिलीव इसका ये साइड का फ्लैप है, ये रिमूवेबल है। सो आई बिलीव ये नट यहाँ से खुल जाते हैं और ये अगर आपको वाइज़र निकालना तो हाँ निकाला जा सकता है, बट मैं नहीं निकालूंगा। ये एक EDV हेलमेट में तो ऊपर का ये शेड अच्छा लगता है और यहाँ पर इनके जो वेंट हैं ये काफ़ी मैक्सिमम वेंटिलेशन के लिए है। एक तो ऑलरेडी यहाँ पर है और एक और भी अगर आपको एयर फ्लो चाहिए हो तो आप इसको खोल सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं यहाँ से। सो लेट्स ओपन करता हूँ मैं इसे। ओके, सो यहाँ पर इसका ये वाइज़र है और ये जो फ्लिप है इसको लॉक करने के लिए यहाँ पर ये एक लॉक दिया हुआ है, इसको लॉक कर देंगे तो ये नीचे नहीं आएगा। मेरे को मेरे शुभक के हेलमेट में बड़ी प्रॉब्लम होती थी जब मैं लास्ट ईयर ले गया था, तो अगर मैं उसको कोई स्लो स्पीड पे फ्लैप को ओपन करके चला रहा हूँ और ब्रेक मारी या गड्ढे में से गई निकली, ऑफ रोडिंग हो रही है, तो वो नीचे गिर जाता था। इट्स वेरी रिस्की अगर आप स्पीड पे हो और अगर आप ऑफ रोड कर रहे हो, सामने रास्ता ख़राब है,
वाइजर नीचे आ जाए, फ्लिपर नीचे आ जाए, तो एकदम यू नो आप विजिबिलिटी एकदम कट ऑफ हो जाती है। और उस वक्त ऐसा था कि आपको ऑक्सीजन पूरी चाहिए और एयर फ्लो पूरा चाहिए, इस वजह से मैंने फ्लैप खोल रखा था। बट सिंस उसके अंदर वो लॉक नहीं आता है, ये लॉक अभी रिसेंटली लॉन्च मॉड्यूल्स के अंदर ही आ रहा है, बिकॉज एज पर द यू नो सिक्योरिटी रेगुलेशन US यूरोप के अंदर जितने भी मॉड्यूलर हेलमेट हैं उनके अंदर ये फ्लिप का लॉक आना शुरू हो गया है। इससे पहले लॉक नहीं आता था। अगर आप कोई भी मॉड्यूलर हेलमेट लेते हैं उसके अंदर ये लॉक नहीं है तो उसका मीन्स वो एक पुराना मॉडल है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप अगर आप कोई भी मॉड्यूलर हेलमेट ऑर्डर करते हैं तो। आज का वीडियो इट्स ऑल अबाउट अनबॉक्सिंग ऑफ दिस पेयर हेलमेट, और इस हेलमेट के साथ काफ़ी सारी राइड्स होने वाली हैं बिकॉज इट्स अ वन ऑफ अ काइंड ऑफ माय प्रेफर्ड हेलमेट मॉड्यूलर ADV, सो इट्स ऑल 3-in-1। आप इसको एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप इनको टूरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, सो इट वर्क्स। सो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करता हूं। आई होप करता हूं कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और इसी के साथ साथ आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करें, बताएं और क्या देखना चाहेंगे मेरे वीडियो में। बहुत सारी राइड आने वाली हैं, लॉन्गर राइड्स, शॉर्टर राइड, हर तरह की राइड। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, उस पे मैं अपनी रील्स, जो वीकेंड्स राइड्स होती हैं, जो भी छोटी मोटी अपडेट है मैं उन पर डालता रहता हूँ। दैट्स इट, इसी के साथ मैं अभी अलविदा कहता हूँ आप सबको, बहुत जल्दी मिलेंगे। अंटिल देन टेक केयर, बाय।